आवर सर्विस आवर आइडेंटिटी। तो एनबीसी ये बांध के चलते हुए इंडिया में हर जगह ये सर्विस कंप्यूटर एंड वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर हर जगह पहुंच रहा है। तो जैसे कि मैं पहले ही बोला था कि हम लोग ट्राई करेंगे हर वक्त एक न्यू इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप लोगों के साथ कांटेक्ट करेंगे। तो आज वैसे ही एक न्यू वीडियो, न्यू इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आ रहे। ठीक है, तो देखिए, मैं पहले बोला था कि एक सक्सेसफुल स्टोरी जो एनबीसी ट्राई करेंगे हर वक्त आप लोगों के सामने ले आने के लिए, जिसके द्वारा क्या होगा, जो नया सेंटर करना चाहता है या फिर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, सेंटर को कैसे बढ़ाना है, इस चीज के ऊपर टोटली हम लोग बताएंगे। तो आज वैसे ही एक सक्सेसफुल पर्सन जो एनबीसी का फैमिली मेंबर है, ठीक है, ये कर्नाटक से है, एक सर का नाम है मिस्टर बंगरप्पा, और वो सर है कर्नाटक का कलबुर्गी डिस्ट्रिक्ट मोहगांव क्रॉस एरिया से आ रहे हैं। सर नमस्ते, वेलकम टू आवर पेज सर, एनबीसी हेड ऑफिस पेज। नमस्ते सर। तो सर कैसे हैं सर? सर मैं ठीक हूँ सर। हाँ आप सर? अच्छा, मैं भी अच्छा हूँ सर। और बोलिए हाँ सर, काम कैसा चल रहा है, सेंटर का काम कैसा चल रहा है सर? सर, सेंटर का काम बहुत अच्छे से चल रहा है सर। अच्छा और सर, शूटिंग कर रहे हैं। आज यहाँ पर आपको ले आने के लिए एक रीजन है सर। देखिए, आप जैसे एक कैफे से आपने स्टार्ट किया था, आज एक बड़ा सेंटर डायरेक्टर है आप, तो कुछ मतलब सोशल मैसेज देने के लिए यहाँ पे बहुत सारे यूथ है जो नया सेंटर खोलना चाहते हैं, सबके लिए सिर्फ आपको ले आया है यहाँ पे कि आपका एक्सपीरियंस शेयर करे। पूरा ऑल ओवर इंडिया में अभी आप देख रहे हैं सर। तो ये जो सेंटर है, इस सेक्टर में आप कितने दिन से हैं सर, मतलब ये कंप्यूटर सेक्टर में आप कितने दिन से हैं सर? सर 3 साल से मैं एनबीसी से काम कर रहा हूँ सर, सिटी और ऑल ओवर सेंटर मतलब आई मीन टू से पूरा कंप्यूटर सेंटर आपका कितने दिन से चल रहा है सर? में। मैं 7 साल से चला रहा हूँ सर। अच्छा, तो ये एनबीसी के साथ आपका जर्नी कैसा था, और पहले जो कैफे से यहाँ तक आया वो जर्नी आपका कैसा था? जो कैफे था पहले आपका, वहां से यहाँ तक, मतलब जीरो से हीरो, ये कैसे हुआ सर? मतलब अगर आप शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा होगा सर। सर बहुत खुश हो रहा है सर एनबीसी से जुड़ने के लिए, और अच्छा बहुत इससे हमारा को इन्फॉर्म भी मिला है। बहुत अच्छे से अच्छा एनबीसी से हम ये भी करें सर, स्टूडेंट को अच्छे से स्किल डेवलपमेंट करने के लिए मौका मिला, और अच्छा ग्रामीण भाग में बहुत अच्छे से तो स्टूडेंट को तो मोटिवेशन और डिजिटल भारत का, ई प्रवेश का और रेगुलर कोर्स का बहुत अच्छे से रेस्पॉन्स भी मिला। अच्छा तो मतलब एनबीसी के जुड़ने के बाद आपका जो सेंटर है वो थोड़ा आगे गया ना, मतलब एनबीसी के जुड़ने के बाद ये जो सर्विस आपको मिला। सर एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, ये नियर अबाउट 2020 अप्रैल के बाद, मतलब मई के उस महीने लॉकडाउन चालू हुआ था। आप तो उससे पहले से एनबीसी के साथ जुड़ा हुआ है, उससे पहले से एनबीसी के साथ, तो वो लॉकडाउन में हर ऑर्गेनाइजेशन जो अदर्स ऑर्गेनाइजेशन है सब फोन स्विच ऑफ करके बैठे थे सर, मतलब बहुत सारे सेंटर बंद भी थे, बंद भी हो गए थे सर बहुत सारे सेंटर। तो उस टाइम पे वो पैंडेमिक सिचुएशन पे आपको कोई हेल्प किया है एनबीसी ने, या फिर कैसे हेल्प किया, कैसे आपका सेंटर रनिंग था, क्या हुआ था लॉकडाउन के सिचुएशन में, आपका क्या क्या हाल था सर आपका सेंटर का? सेंटर का बहुत है ये था सर, मगर बहुत एनबीसी ने बहुत हेल्प करे सर। तो मतलब मोटिवेशन प्रोजेक्ट, वगैरह? हाँ सर, सोमन दत्त सर और रजत अच्छा सर, आर के अच्छा सर, सब एनबीसी टीम ने और वीडियो वही फेसबुक में लाइव में आके इवनिंग टाइम पर सभी इन्फॉर्मेशन सर, मोटिवेशन हमारे को बहुत अच्छे से दिया। मार्केटिंग के बारे में उस टाइम पे कैसे चलना है, हाँ कैसे सेंटर ग्रो करना है, हाँ सर, वो तो भी बहुत अच्छे से बताए सर। मतलब लॉकडाउन लॉकडाउन के अंदर आपका सेंटर बंद नहीं था, लॉकडाउन के अंदर बंद भी था आपका सर, सेंटर? अच्छा, बंद था। बंद था सर, टाइम पर एनबीसी अच्छा, टीम से हर रोज एक वीकली यूनिक टाइम पर मोटिवेशन करने का एक
अच्छा अच्छा ये अच्छा मतलब आपके साथ हर वक्त टच में था, कांटेक्ट में था, ये बात है कांटेक्ट में मतलब। था। हाँ अच्छा अच्छा जो मेन प्रॉब्लम हुआ था लॉकडाउन में, हर सेंटर के साथ डिचार्ज हो गया था सब ऑर्गेनाइजेशन। देखिए वो तो है, अभी देखिए एनबीसी का आपने अवार्ड शो भी देखा है बहुत सारा, मतलब हर साल जो अवार्ड शो होता है, तो आपने शायद लास्ट ईयर में अटेंड किया है वो अवार्ड शो, लॉकडाउन के वजह से वो बंद हुआ था एक साल के लिए। तो हाँ सर वो अवार्ड शो का जो मतलब एनुअल मीट जो होता है, वहां पे आपका फीलिंग्स कैसा था? मतलब आपको कुछ अवार्ड वगैरह मिला, मतलब कैसे फीलिंग्स था, मतलब कैसे आपका फीलिंग्स था उस टाइम पे? मैं सब इतना अवार्ड के लिए मैं ऐसा भी नहीं देखे थे सर। बाद में अच्छा मेरे को पता चला, वहाँ एनबीसी मीट जाने के बाद पता चला इतना अवार्ड है बोल के। मेरा तो एक ही अवार्ड बोले थे सर, सो प्लैटिनम अच्छा सेंटर बोल के, और उन अच्छा जाने के बाद मिला। और प्लैटिनम सेंटर, नाइस सोच अवार्ड, और टॉप 3 13 पोजीशन, और स्टेट सेकंड अवार्ड भी, इतना सारे मेरे को मिले। अच्छा 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 मैंने ये अवार्ड वगैरह मिला था आपको उस हाँ टाइम सर पे, मतलब हाँ मतलब स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, ये देखिए कि एक रिक्रिएशन हो रहा है कि आपका जो अवार्ड वगैरह हुआ था, आपने आप शायद देख ले अभी जो आपको अवार्ड मिला था, अभी फ्यूचर में भी एनबीसी का तो आने वाला साल है, वहां पे भी हो रहा है एनुअल मीट होगा, तो उसके लिए कुछ प्रिपरेशन है आपका सर, क्या कुछ सोचा है सर एनबीसी के मतलब नेक्स्ट एनुअल मीट के लिए? हाँ सोचा हूँ सर, सोचा हूँ सर, तो अच्छा अच्छा करना अच्छा क्या अच्छा क्या तो करना सर एनबीसी। अच्छा 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 मतलब रिस्पॉन्स कैसे है अभी, मतलब अभी जो राइट नाउ, इससे पहले जो ई प्रवेश किया है वो उसके ऊपर, ई प्रवेश में तो आपको शायद अवार्ड भी मिला है, ई प्रवेश के लिए आपको अचीवमेंट भी हुआ है शायद, वो हाँ रिस्पॉन्स कैसा था आपको ये अवार्ड? सर बहुत अच्छा है सर, क्यों बहुत खुश हो रहा है सर उसका अच्छा अवार्ड अच्छा नहीं अच्छा लेने के लिए। अच्छा तो जो आपने ई प्रवेश किया था ना, ई प्रवेश का रिस्पांस कैसा था, मतलब आपका वहां पे रिस्पांस अच्छा है सर आपके एरिया में? ये तो हाँ विलेज रूरल एरिया है, वहां पे रिस्पांस कैसे आ रहा है सर 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 एनबीसी का बहुत प्रोजेक्ट को अच्छे से, लेकर? हाँ प्रोजेक्ट लेकर बहुत अच्छे से ये हो रहा है सर। तो अच्छा समर अच्छा सीजन अच्छा है ना, यहाँ पर थोड़ा डिफिकल्ट नहीं होता, मगर बहुत अच्छे से रेस्पॉन्स आ रहा है सर। स्टूडेंट अच्छा अच्छा को अच्छा इतना कम इसमें कम रजिस्ट्रेशन फीस में बहुत अच्छे से लर्निंग, और उनका बुक किट और कूपन, क्रैश कार्ड अच्छा कूपन में अच्छा भी, एनबीसी के और द्वारा आपका प्लस स्टूडेंट को कुछ गिफ्ट भी मिला है? मिला सर, मिला अच्छा अच्छा सर। क्या और मिला है सर आप स्टूडेंट को, लास्ट क्या क्या मिला है सर? लास्ट टाइम पर साइकिल और मोबाइल अच्छा फोन और साइकिल मिला है टिफिन, सर। साइकिल मिला अच्छा अच्छा सर। अच्छा 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 देखिए हम लोग पहले ट्राई करते हैं कि ये कंप्यूटर वोकेशनल एजुकेशन को ना स्प्रेड आउट करने के लिए, थोड़ा पूरा इंडिया में एकदम ग्रामीण एरिया में हर जगह जाने के लिए ट्राई करते हैं। आप लोगों के द्वारा ही ये पॉसिबल है, ओनली आप जैसे सेंटर डायरेक्टर अगर हमारे साथ रहेंगे ना तो बहुत दूर जाएंगे एनबीसी सर, आपके द्वारा हाँ ही सर होंगे वो सर वो। हाँ सर हाँ हाँ वो ही तो सच है सर। हम कभी भी कहाँ पर भी हम एनबीसी के साथ हूँ रहता हूँ सर। सर सभी मिलके करे तो बहुत अच्छा है सर। अभी राइट नाउ आपको भी पता है 1 अगस्त से डिजिटल भारत जो अभी रनिंग हुआ हाँ है डिजिटल भारत, तो हाँ सर लास्ट ईयर तो आपने डिजिटल भारत प्रोजेक्ट किए थे सर, तो हाँ डिजिटल भारत प्रोजेक्ट का रेस्पॉन्स कैसा था सर आपका लास्ट ईयर में जो किए थे आपने प्रीवियस हाँ ईयर में? सर ओके ओके। लास्ट ईयर में स्टूडेंट के वजह से शायद टेक्निकल इशू हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो जल्दी वापस आ जाएंगे, ये टेक्निकल इशू होता रहता है, वो कोई इशू नहीं है। वो उनका सेंटर का एक वीडियो शायद है हम लोगों के पास, आप सेंटर का वीडियो चेक कर लीजिए, देखिए वो एक कैफे से स्टार्ट किए थे, आप एक बार सोचिए आप लोग, वो एक कैफे से ओनली एक कंप्यूटर से स्टार्ट किए थे, जस्ट एक कैफे से बाहर से आज एनबीसी के साथ जुटते हुए कितना अवार्ड मिला है, कितना अचीवमेंट मिला है। सबसे बढ़िया बात वो स्टूडेंट से कितना रेस्पेक्ट मिला है, वो चीज सबसे बढ़िया है, क्योंकि देखिए अवार्ड वगैरह अचीवमेंट वगैरह होता रहता है, लेकिन जो स्टूडेंट को सिखाता है सर, मतलब आप लोग ये देखेंगे तो आपको पता चलेंगे उनका क्लासरूम वगैरह, तो वहां से शुरू होके आज यहाँ पर पहुंचे हैं वो, ठीक है, ये ओनली उनका जो मोटिवेशन है। और ऑब्वियसली हम लोगों का, हम लोग ट्राई करते हैं कि जो भी सेंटर हमारे साथ है वो हमारा फैमिली मेंबर जैसा है,
उनको कैसे बढ़ा कर दिया है, या मतलब कैसे बढ़ाना है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन वगैरह, एंड मेन चीज जो एरिया में एनबीसी का फैमिली मेंबर है उस एरिया का स्टूडेंट मतलब डिजिटल लिटरेसी तो जानना ही चाहिए। हम लोग ट्राई करते हैं कि उस एरिया में जितना हो सके हम लोग डिजिटल लिटरेसी को बढ़ाए, तो ये हम लोग ऑलवेज ट्राई करते हैं। ये देखिए उनका सेंटर का सेटअप कितना अच्छा है, आप सोचिए सर, ये एक कंप्यूटर से शुरू हुआ था, जस्ट एक कंप्यूटर से, अभी देखिए वो कहां तक पहुंचा है सर। बहुत खुश हो रहा था देख के। अच्छा, तो आप बोल रहे थे कुछ सर डिजिटल भारत के बारे में कि लास्ट ईयर आपने डिजिटल भारत किए थे सर, वो डिजिटल भारत का रिस्पांस कैसा था और आपके एरिया में जो स्टूडेंट था उनको कैसा लगा डिजिटल भारत प्रोजेक्ट करके, ये रिस्पांस कैसा था, आपको अगर शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा होंगे। हाँ सर बहुत अच्छा होगा, स्टूडेंट का बहुत रेस्पॉन्स, उनका ईमेल आईडी क्रिएटिंग और ऑनलाइन शॉपिंग का, और ऑनलाइन का कहीं भी हमारा काम हम खुद ही कर लेना। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मतलब बहुत सारे साइबर कैफे में जाना पड़ता है, बहुत सारे चीज होता है, मतलब कोई फॉर्म फिलअप के लिए या कोई मतलब लाइन पे रहना पड़ता है, ये तो सही बात है, लेकिन आपके वहां पर रिस्पांस अच्छा हो रहा है ना सर, आपके जो एरिया है आपके विलेज में रिस्पांस अच्छा आ रहा है सर, तो इस साल का कोई प्लानिंग है सर डिजिटल भारत को लेकर, इस साल कोई प्लानिंग है सर? हाँ हाँ है सर। अच्छा, काम शुरू किया है आपने डिजिटल भारत को लेकर इस साल? हाँ सर अभी इन्फॉर्मेशन दिया, अभी कल से स्टार्ट हो करना सर। अच्छा, तो लास्ट ईयर में शायद आपको कुछ गिफ्ट भी मिला था डिजिटल भारत के लिए, कोई अवार्ड अचीवमेंट हुआ था ना लास्ट ईयर में सर? हाँ आया था सर, प्रिंटर आया था सर। अच्छा, और कोई हेल्प हुआ है बात से सर, मतलब जो अचीवमेंट है, अचीवमेंट तो बहुत कुछ हो सकता है सर, अवार्ड अचीवमेंट तो बड़ा है, सबसे बड़ा है, और स्टूडेंट का रेस्पेक्ट मिल रहा है आपको, एंड साथ जो अचीवमेंट आपको मिला है मतलब आपने बोला प्रिंटर मिला है, कुछ हेल्प आया है सर सेंटर के लिए? उसको लेकर कुछ प्लानिंग तो आपने किया है डिजिटल भारत को लेकर, स्पेशली अभी जो रनिंग प्रोजेक्ट है इसको लेकर भी प्लानिंग किया है आपने, कुछ प्लानिंग अगर शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा होगा सर, क्योंकि आपको अभी राइट नाउ ऑल ओवर इंडिया जितना भी सेंटर है, ये नहीं कि वो एनबीसी फैमिली मेंबर है, ये नहीं है सर, वो कोई भी हो अगर वो कंप्यूटर सेंटर के साथ जुड़े हुए हो आपके बाद, या आप जैसे आप कैसे बना है मतलब एक कंप्यूटर से शुरू करके अभी जिस जगह पे पहुंचे, उनके लिए मोटिवेशन है सर, तो इसीलिए आपको आज एज ए गेस्ट यहाँ पर लाए हैं सर, तो थोड़ा अगर कुछ शेयर करेंगे सर उनके लिए, उन लोगों के लिए अगर कुछ शेयर करेंगे कि कैसे करना होता है या कैसे ये मोटिवेशन मिला आपको? सर ये काम है हम खुद ही हमारे के लिए नहीं करना सर, तो हर ये काम है हमें सोसाइटी के लिए करना सर, ये बहुत जरूरी है सर, एकदम 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 सर, उसकी वजह से हम उसके लिए हमें ये प्लान करके मैं स्टूडेंट को अच्छे तरह से उनको मोटिवेशन करके स्टडी के लिए सब क्या क्या है, सब एनबीसी से मटेरियल मिलता है वो सब स्टूडेंट के लिए पहुँचाना सर, तो देखिए ये सर जो शुरू किए थे ये एक सक्सेसफुल स्टोरी है सर का, कि इन्होंने जो शुरुआत किया था पहले एनबीसी के जुड़ने बाद उनका जो चेंज हुआ है सेंटर के अंदर, वो अब आज सुन लिया शायद इनके इनके मुंह से सब कुछ सुन लिया है शायद कैसे क्या करना होता है, तो वैसे ही हम लोग ट्राई करेंगे धीरे धीरे जो भी सेंटर के साथ जुड़े हुए आप ऐसे ही हमारे साथ भी ये पेज फॉलो करते रहे ना, और ऐसे ही ये सर के जैसा जो भी सक्सेसफुल स्टोरी है आपको ये सक्सेसफुल स्टोरी मिलते रहेंगे। ये था सक्सेसफुल स्टोरी का एपिसोड नंबर 1 था, और फ्यूचर में और भी बहुत सारे सेंटर का स्टोरी आने वाला है, तो सर आज के लिए यहाँ पर ही सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम आपको आने के लिए सर, बहुत अच्छा लगा बात करके, बाद में बात होगा सर, आज के लिए यह पर ही ठीक है सर, सी यू सून विद इंफॉर्मेटिव वीडियो, थैंक यू एंड गुड बाय, थैंक यू बाय।
तो देखिए ये एक देखिए ये एडुकेशन जो है ना सर, ये कंप्यूटर एंड वोकेशनल एडुकेशन के ऊपर हम लोग ट्राई कर रहे हैं और भी जगह पे पहुंचने के लिए, बहुत सारे जगह अभी तक हमने नहीं पहुंचे। तो ये डिजिटल लिटरेसी जो आ रहे है आप लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और अब जल्दी से जल्दी एनबीसी का जो हेल्पलाइन नंबर है ना, वहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं कि कैसे ये डिजिटल लिटरेसी बढ़ा सकते हैं। आप अगर सेंटर के साथ जुड़े हुए तो ही, चाहे वो वोकेशनल एजुकेशन सेंटर हो या फिर कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर हो, ये आप लोगों के लिए है। और आप लोग जल्दी से जल्दी कांटेक्ट कीजिए, ठीक है? और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो और भी आएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है? तो थैंक यू सो मच, आज के लिए यही समाप्त होते हैं। सी यू सून विद इंफॉर्मेटिव वीडियो।